गुड मॉर्निंग फैम, नमो बैक टू द ब्लॉग। टुडे इज डे 2, आई एम राइडिंग माय हिमालयन रन अगेन। सो दिस गोइंग टू द स्मॉल पार्ट ऑफ पेपर। अभी तक 40 किलोमीटर हो गया है, तो आज आई थिंक आना जाना 100 किलोमीटर और होगा। टुडे आई विल कंप्लीट 200 किलोमीटर ऑन माय हिमालयन। मजा आ गया। तो सरप्राइजिंगली आई जस्ट लुक एट द एवरेज, तो बाइक इज गिविंग 23.9, मतलब 24 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। आई डोंट नो वाई इतना कम कैसे दे रही है, इतना तो मेरी टाइगर भी दे दी थी। चलो कोई नहीं, लेट इट बी। हो सकता भी ट्रैफिक में चली है तो इसलिए इतना कम एवरेज दे रही है। वंस आई हिट दी हाईवे तो अच्छा एवरेज देगी। बट दिस इज़ अ वरी फ्री बाइक है, मतलब कोई टेंशन नहीं होती निकालने में। और रास्ते में रुक के भी नहीं पूछेगा भैया कितना एवरेज देती है, और कोई ये भी नहीं बोलेगा भैया एक व्हीली मार के दिखा दो या स्टॉपी मार के दिखा दो। और इनफ पावर यार, मतलब ट्रैफिक में से निकलने के लिए मतलब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आई थिंक हाईवे पे जा रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरे को पावर कम लगेगी, बिकॉज जनरली तो ट्रैफिक में भी हम लोग अवॉइड ही करते हैं एक्सलरेट करना, बिकॉज अपना तो पता है बट सामने वाले का पता नहीं वो ब्रेक मारेगा या नहीं मारेगा। लेट्स सी हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है बाइक है। देयर इज नथिंग टू शो ओवर द रोड बिकॉज सेम जेवर, सो लेट्स सी ओवर द रोड। सी लगानी तो है बाइक मोर देन 90, डिलीवरी आई एम श्योर कि ये मतलब 110-120 तो बढ़ेगा आराम से जाएगी। तो मुझे भी बाकी लोग लग रहा है तो मेरे से स्लो राइड करेंगे, मैं भी राइडिंग नहीं करूँ, बट अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट गॉट द मैसेज कि सब लोग वाईमैक्स पे ही मिल रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ एग्जिट 3 आई एम डायरेक्टली अप्रोचिंग टू वाईमैक्स। तो अभी धीरज जी मिले यहाँ पे और भाई अपना गाड़ी से आ रहा है विपुल। तो अभी तो आई एम नॉट गोइंग क्रेजी विद द बाइक, बस 1000-2000 माइल्स हो जाए उसके बाद में आई स्टार्ट गोइंग क्रेजी विद द बाइक, बिकॉज आई बिलीव कि डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी बिल्कुल भी ये। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
धोखे में नहीं लेना है बाइक को बिल्कुल भी। हाँ बाइक का प्राइस हल्का है बट बंदा चलाने वाला बहुत भारी है। सो वी जस्ट फिनिश ऑफ ओवर ब्रेकफास्ट और GoPro की बैटरी बची 18%, तो लेट्स सी क्या रिकॉर्ड होगा। बट 99 किलोमीटर्स डन, सो अब देखते हैं जब तक इतना रिकॉर्ड होगा होगा, बट सो फार सो गुड, मज़ा आ गया आज राइड करके। देखो दिस इज द टाइगर आई यूज टू राइड, और थोड़ी सी मैंने इंडियन भी चलाई है आज, इट्स अ गुड बाइक, मतलब आई राइड अ फैट बॉय ऑल्सो, दिस इज सो स्मूथ टू राइड, मतलब मज़ा आ गया राइड करने। दी मैक्सिमम रिजर्व, तो अभी रेंज है 34 किलोमीटर घर पहुँच, तो 34 किलोमीटर की रेंज तो बंद होती नहीं है, तो थोड़ा सा उसको और चलाऊंगा सो दैट ज़ीरो करने के बाद भी लेट मी सी कि चलती है नहीं चलती है, या ज़ीरो इज़ दी डेड पॉइंट। बस क्या होता है कभी कभी आप यू आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, और इंटीरियर में होता है आपको फ्यूल भी नहीं मिलता, तो आपको पता होना चाहिए या कब जाके आपको बाइक बिल्कुल बंद कर देनी है। बस सी बी आर इज़ वेटिंग फॉर मी, अभी सी बी आर के ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं है, अब इसको निकालेंगे जिस दिन उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आइडली बैठी हुई है, मन तो था इसका जेवर लेके जाने को, बट सोचा अभी पहले हिमालयन के 500 किलोमीटर पूरे करें फर्स्ट सर्विस के लिए। सो फार सो गुड, चलाते हैं इसको और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।